दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं Asus के Zenfone Max M1 को और Realme के C1 में। Asus ने अभी हाल ही में इंडिया में ये अपना नया फ़ोन लॉन्च किया है, तो चलिए देखते हैं कि इस फ़ोन में कितना है दम और ये कहां तक दे पाता है Realme C1 को टक्कर और Realme C1 से कितना है बेहतर। तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो Asus का जो Zenfone Max M1 है ये 5.45 इंचेस के HD+ के रिजोल्यूशन के साथ आता है और दोस्तों जो इसमें स्क्रीन यूज की गई है वो IPS डिस्प्ले यूज किया गया है। तो दोस्तों ये तो बढ़िया बात है कि IPS डिस्प्ले यूज किया गया है, लेकिन दोस्तों ये फुल HD+ के डिस्प्ले के साथ नहीं आती है, HD+ के डिस्प्ले के साथ आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और बाकी तो डिस्प्ले क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले काफ़ी भी बेहतरीन है और दोस्तों 18.9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ भी आता है दोस्तों, और यहाँ पे आपको नॉच देखने को नहीं मिलती है, तो नॉच की कमी है और बाकी तो स्क्रीन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब डिस्प्ले की बात करते हैं रियलमी C1 की, तो दोस्तों इसमें आपको 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, जो कि HD+ के रिजोल्यूशन के साथ आता है। दोस्तों ये भी फुल HD+ के रिजोल्यूशन के साथ नहीं आता है, लेकिन इसमें दोस्तों जो डिस्प्ले दिया है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है, जो कि 6.2 इंचेस का दिया गया है। वहीं जो रियल जो Asus का फ़ोन था उसमें आपको 5.45 इंचेस का डिस्प्ले मिलता था, तो डिस्प्ले के मामले में आगे है Realme C1 काफ़ी अच्छा है और जबकि कम प्राइस रेंज में। अब दोस्तों Asus के Zenfone Max M1 की बैटरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक पावर पैक स्मार्टफोन है, 4000 mAh की बैटरी के साथ आता है और कंपनी का ऐसा दावा है कि इसको फुल चार्ज करने के बाद आप 41 घंटे का 4G स्टैंड बाई टाइम ले सकते हैं और 4 दिन का म्यूजिक प्लेबैक और 23 घंटे का वेब ब्राउजिंग ले सकते हैं अगर आप वाईफाई के थ्रू यूज करते हैं। तो बैटरी अच्छी है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं, 4000 mAh की एक बिग बैटरी दी गई है। अब इसके कंप्यूटर की बात करते हैं। अब दोस्तों अगर बैटरी की बात करते हैं रियल मी C1 की, तो दोस्तों ये भी एक बिग बैटरी के साथ आता है, जो कि 4230 mAh की बैटरी है दोस्तों, और जो कि AI बेस्ड बैटरी है दोस्तों, तो इसमें भी आपको बैटरी का परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों रियल मी C1 की बैटरी तो और भी ज़्यादा बेहतरीन है Asus के Zenfone से। हालांकि Asus के Zenfone की बैटरी भी बेकार नहीं है, लेकिन अगर बात करें कि ज़्यादा बेहतर किसकी है तो रियल मी C1 की बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि इसमें AI बेस्ड भी दिया गया और प्लस 230 mAh ज़्यादा की बैटरी। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों तो जो प्रोसेसर होता है वह भी एक मेन फैक्टर होता है दोस्तों, जब हम मोबाइल को परचेज करते हैं। तो दोस्तों जो Asus का Zenfone Max M1 है इसमें दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 430 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक। और दोस्तों जिसकी प्राइमरी क्लॉक स्पीड है दोस्तों वो 1.4 GHz की दी गई है। तो दोस्तों ठीक है, इस रेंज में 6 से 7 हज़ार रुपये के रेंज में स्नैपड्रैगन का 430 GB प्रोसेसर ठीक है, लेकिन दोस्तों साफ है कि ये हैवी गेमिंग के लिए बिल्कुल, मतलब ये नॉर्मल यूजेज के लिए, डे टू डे नॉर्मल यूजेज के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। अब दोस्तों बात करते हैं रियल मी C1 के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और दोस्तों कंपनी ये बताती है कि इसका जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है वो 1.8 GHz का दिया गया है। दोस्तों इसकी फिर स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों Asus के Zenfone Max M1 की। इसमें आप थोड़ा सा मतलब कि हैवी यूजेज कर सकते हैं, आप इस रेंज में भी एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड कराया गया है Realme के द्वारा। और दोस्तों जो उसकी कीमत है 7500 रुपये, उसमें दोस्तों इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं मिल रहा है, जबकि आपको Realme C1 में आपको उससे अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है। हाँ ये है कि Realme C1 की कीमत 7000 रुपये है 2 GB वाले रैम की वायरिंग की कीमत, और जो Asus का Zenfone है उसका 7500 रुपये कीमत है 3 GB रैम वाले की कीमत। लेकिन दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर Realme C1 का उससे बेहतर है, ज़्यादा बेहतर तो नहीं लेकिन बेहतर है उससे। दोस्तों अगर कैमरे की बात करते हैं, दोस्तों जो Asus का Zenfone Max M1 है इसमें जो प्राइमरी कैमरा 13 MP और सेकेंडरी कैमरा यानी फ्रंट कैमरा 8 MP का दिया गया है, और दोस्तों ये दोनों ही Aperture 2.0 के साथ आते हैं। और दोस्तों दोनों में ही आपको कई सारे मोड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेन आपको पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, कैमरा 13x60 MP दिया गया है, तो इस रेंज में कैमरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कंप्यूटर की बात करते हैं रियलमी C1 की। अब दोस्तों अगर रियलमी C1 के कैमरे के बारे में बात करते हैं, दोस्तों इसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 13+2 MP का डुअल कैमरा दिया गया है, और जो फ्रंट कैमरा है यानी सेकेंडरी कैमरा वो 5 MP का दिया गया है। और दोस्तों जो प्राइमरी कैमरा का अपर्चर है वो 13 MP का 2.2 है और 2 MP का 2.4 दिया गया है। और इसी तरह दोस्तों जो 5 MP का फ्रंट कैमरा है उसमें भी अपर्चर 2.2 दिया गया है। तो दोस्तों अगर कैमरे की बात करते हैं तो जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है रियल मी C1 का वो तो काफ़ी अच्छा है, अगर कंपेरिजन करें तो ज़्यादा अंतर तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मतलब सिंगल कैमरे में भी पोर्ट्रेट शॉट अच्छे ले सकते हैं, क्योंकि अगर 2 MP का कैमरा है तो वो भी बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शॉट नहीं लेगा, क्योंकि डेप्थ सेंसिंग में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ जाती है। तो उसी तरह का जैसे कि हम सिंगल कैमरे में भी अच्छे पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं।
और दोस्तों जो इसका सेकेंडरी कैमरा है ये कम है, 5 मेगापिक्सल है, जबकि एसुस का जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का एक डिसेंट कैमरा दिया गया है। तो अगर दोस्तों कैमरे की बात करते हैं तो जो एसुस है वो दोस्तों एक बैलेंस कैमरा उसमें दिया गया है दोस्तों, 13 मेगापिक्सल रियल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है, और दोस्तों दोनों ही पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, फ्रंट कैमरा भी और रियर कैमरा भी। तो अगर दोस्तों कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे को मैं एसुस बोलूँगा, क्योंकि एसुस का कैमरा बिल्कुल अच्छा है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए और अच्छी बैटरी चाहिए तो दोस्तों आप रियलमी C1 को ले सकते हैं, और अगर दोस्तों आपको अच्छा कैमरा और अच्छी बैटरी चाहिए और आपको ज़्यादा रैम चाहिए तो फिर दोस्तों आप एसुस का जेनफोन मैक्स M1 ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसुस में आपको 3 GB रैम मिल जाती है 7500 रुपये में, और रियलमी C1 में आपको 2 GB रैम ही देखने को मिलती है, आपको 3 GB रैम देखने को नहीं मिल रही है अभी तक। कंपनी फ्यूचर में क्या करती है वो कंपनी जाने, लेकिन अभी तक केवल आपको 7000 रुपये में 2 GB रैम ही मिल रही है। तो अगर आपको 2 GB रैम में काम हो जाता है और आपको फ्रंट कैमरे से ज़्यादा मतलब नहीं है तो फिर आप रियलमी C1 ले सकते हैं, क्योंकि बैटरी दोनों में लगभग आपको सेम मिलेगी। तो आप अगर 3 GB रैम चाहिए आपको और आपको ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करना है और आपको कैमरा भी चाहिए तो फिर आप एसुस के जेनफोन मैक्स M1 ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दें, और आपको भी अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर